सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रत्यय प्रकाश है और एक और नए स्कैल्पिंग वीडियो में स्वागत है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बट कल मंथली एक्सपायरी है। कल निफ्टी 50 में लास्ट एक्सपायरी है मंथ का, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन ना बहुत सारा पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया जाता है, ठीक है। जो लोग अपना पोजीशन बनाते हैं मंथ के स्टार्टिंग में, वो बहुत सारे लोग मंथ के एंड में अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, ठीक है। तो कल के दिन में मार्केट ट्रेंडिंग जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा पोजीशंस जो है एग्जिट होता है मार्केट से। बट आज के दिन अगर कोई स्कैल्प किया जा सकता है, छोटा मोटा मोमेंटम पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल ट्राई करेंगे। आज के दिन मार्केट में एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट अभी हम लोग बात करें, अभी 9:35 हो रहा है, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है अभी देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट था, ये एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस, थोड़ा सा रेसिस्टेंस एरिया था। स्ट्रांग तो नहीं बोल सकते, बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो स्ट्रांग तो नहीं बोल सकते, बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट एक बार, दो बार, तीन, चार एंड ये पाँचवा बार मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत अच्छा यहाँ पर रेड कैंडल देखो, बहुत अच्छा क्लोज किया है, ठीक है। तो मैं बस वेट किया था, मेरा जो स्ट्रैटेजी रहता है, ईएमए से काफ़ी ज़्यादा दूर है ये कैंडल, तो मैं वेट किया था एक छोटे से पुल बैक आने का। ईएमए के पास पुल बैक आएगा, वहाँ पर एंट्री करेंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि बैंक निफ्टी की सपोर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो नीचे से एक अच्छा ट्रेंड लाइन आ रहा है एंड मार्केट उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर हमें पुट साइड की तरफ स्कैल्प भी करना है, तो बैंक निफ्टी में आज अवॉइड करना है, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी भी है, साइडवेज थोड़ा रह सकता है। तो निफ्टी में एक स्कैल्पिंग मूवमेंट देखा जा सकता है, तो निफ्टी में एक स्कैल्पिंग किया जा सकता है सुबह में, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये बहुत रिवर्सल कैंडल बहुत ख़राब है, क्योंकि ये देख सकते हो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगर हम इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, ओके, एक और डाउन साइड की तरफ मूव आ सकता है इसमें, ये पुल बैक हुआ, ठीक है। तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है छोटा सा इस जोन से ऐसे। तो अभी 9:52 हो रहा है, और अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है। एंड मार्केट वहाँ से वापस कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड की तरफ, प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। और देखा जाए तो नीचे से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एक छोटा सा पुल बैक आता है ना, 400 क्वांटिटी से करते हैं, ठीक है, 400 क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे अगर हम लोग बात करें तो। इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रहने वाला है इंडेक्स के चार्ट पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है, ठीक है, एंड जहाँ से लेता हूँ ना वहीं से एकदम रिवर्सल टाइप आता है, ठीक है। अभी 700-800 का लॉस चल रहा है, ठीक है, 1000। देखो हाँ, एंट्री लगता है ना मुझे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। मैं वेट करता हूँ पुल बैक का, बट ठीक है, ओवरऑल सेटअप काफ़ी अच्छा है। देखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं। मेरा स्टॉप लॉस ईएमए के नीचे ऐसा रहने वाला है, ठीक है। अभी 600 कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका है, 400 लॉस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में एक और अच्छा अपसाइड की तरफ मूव आना चाहिए। ये जो कैंडल है ना, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है ना, काफ़ी अच्छा बिग बार कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल के बेसिस पे मैं अभी के लिए थोड़ा सा के लिए बुलिश हूँ, ठीक है। एंड ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका है ट्रेड, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। मैंने ट्रेड को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये एसएल हिट हो जाएगा, डेफिनेटली हिट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ख़राब यहाँ पर कैंडल बना रहा है, ठीक है। सपोर्ट ले सकता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था मार्केट, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है मैं डेफिनेटली एक और ट्रेड ले लूँगा इसी में। बट इस ट्रेड में रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर एंट्री हो चुका था यहाँ पे, एंड यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा मार्केट, ठीक है। एंड पहले ट्रेड में अगर बात करें, तो 2500 का लॉस हुआ है, 400 क्वांटिटी से 2500 का लॉस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपसाइड की तरफ अगर ट्रेड बनता है डेफिनेटली मैं उसी इसी स्ट्राइक प्राइस पर एंट्री लूँगा। ये कैंडल यही इंडिकेट करता है कि अगर आप ट्रेड लिए हो ना, तो आप ट्रेड को कट कर दो, गलत जगह पर आप ट्रेड ले लियो, ठीक है।
तो अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, पहले ट्रेड में 2500 का लॉस हुआ है, एक और ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ईएमए से देखो वापस ये मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने दोबारा इस ट्रेड में एंट्री लिया है, ठीक है। ईएमए से काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है, ठीक है, एंड जो मेरा 2500 का लॉस था, मैं इसी कैंडल का बात कर रहा था, पहले थोड़ा एंट्री ले लिया, ठीक है, एंड एक और स्पाइक आ सकता है इसमें, तो देखते हैं इस लेवल का। ये जो लेवल है ना, ये ऊपर रेसिस्टेंस वाला, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देना, देन मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही है, जो 2500 का लॉस हुआ था वो पहले का ट्रेड का है, ये दूसरा ट्रेड है। सेलिंग की तरफ ट्रेड नहीं बन सकता, यहाँ पे सेलिंग की तरफ ट्रेड बन ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर सेलिंग की तरफ, यहाँ पर सेलिंग की तरफ ट्रेड कब बनेगा, जब ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ना ऊपर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का नीचे मार्केट ब्रेकडाउन कर दे एक अच्छा रेड कैंडल से, तब सेलिंग की तरफ मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है एसएल हंटिंग के लिए, ठीक है। ऐसा कैंडल क्यों बनाता है कोई इस तरीके का कैंडल नहीं बनाना चाहिए, रिजेक्शन नहीं लेगा तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। अभी ओवरऑल 2600 2700 का लॉस चल रहा है, 3000। देखो पता है आपको, अगर पता होगा कि कहां पर मुझे एग्जिट करना है, कहां पर मुझे एंट्री करना है, ठीक है, तो आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा फिर, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ईएमए के नीचे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है, आई थिंक ये ट्रेड को कट करना चाहिए मुझे। मैंने ट्रेड को कट कर दिया है, ठीक है, ये और नीचे जा सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। एंड अगर हम लोग ओवरऑल लॉस का बात करें, 4500 का लॉस हुआ है, ठीक है। आई थिंक दो ट्रेड हो चुका है, दो ट्रेड में 4500 का लॉस हुआ है। अब ट्रेडिंग नहीं करना है, वैसे अगर क्लोज करना रहा तो मैं आज यहीं पर क्लोज कर दूंगा 4500 के लॉस में, क्योंकि ज़्यादा मार्केट से फाइट नहीं करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मैं लॉस को रिकवर करने जाऊँगा तो दिमाग में रहेगा कि मुझे एक ही ट्रेड में 4500 रिकवर करना है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। देखो ट्रेड को कट नहीं करता तो और मार्केट मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, 6-7 हज़ार का लॉस हो सकता था। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड कहाँ कट करना है, ठीक है, एंड मार्केट में आप हर टाइम सही नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ओवरऑल आज के दिन को क्लोज करते हैं यहीं पे 4500 के लॉस में, ज़्यादा मार्केट से फाइट नहीं करते हैं। कल 3500 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन कल सिंगल ट्रेड लिया था, आज दो ट्रेड लिया हूँ जिसमें पर ट्रेड 2500 का लॉस हुआ है, 2000-2500 का लॉस हुआ था, ठीक है। तो आज कैपिटल भी ज़्यादा मैंने यूज़ किया था, कल 250 क्वांटिटी से किया था, आज 400 क्वांटिटी से किया हूँ। लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ आज मुझे लॉस हुआ है, आज उस लॉस को रिकवर करने के पीछे नहीं भाग, मार्केट शायद और ट्रैप कर सकता है, और ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है, तो हमें मार्केट से फाइट नहीं करना है, ठीक है। तो डे को क्लोज करते हैं यहीं पर, बाय।